रणवीर अख्तर संदेरा भाई, रणवीर फरंगी मैच के लिए क्या कुछ राय है हमारे नाज़रीन को बता दें जी। इंशाल्लाह फरंगी मार सी तोन तोन पे की जबरदस्त जी, 50 मिनट के अंदर अंदर गेम। अच्छा 5 मिनट के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा, आप खुद लड़ाएंगे इसको या साल से करेंगे? साल से अब चेंज हो जाएगा, बाहू होंगे। अच्छा बाहू होंगे, जबरदस्त हो गया। डॉग समझते हैं जी, जब आप उसको स्पीड में जब फाइट के लिए जब आप उसको बोलते हैं या बुलाते हैं कि सर से पकड़े या डॉली से पकड़े, फजूल बातें होती हैं ये, बस शोर शराबे के लिए। कुत्ते का जो स्टाइल होता वही होता है। अच्छा दूसरा जितना कुत्ते का बॉस चल रहा होता है उतनी गेम करनी होती है। कैसे हैं जी आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह अभी पहुंचे हैं आप? जी अभी पहुंचे। अच्छा अच्छा जबरदस्त हो गया। खुशी की बात यह है कि लाहौर ग्रुप के जो हमारे कायद हैं और मेरी टीम, उनकी भी उनकी तरफ से ये फैसला हुआ कि गोगे पठान का फरंगी ही हमारा अच्छा कुत्ता जो मस्तों को मारेगा। और मुझे भाई शानी मीरवाल की बात भी अच्छी लगी, उन्होंने भी कहा कि मेरे कुत्ते से ये गोगे का कुत्ता ही लड़ सकता है। जबरदस्त हो गया। तो मैं कितना अच्छा कुत्ता पाल रहा हूँ और जिससे मेरी इतनी आनर हो रही है कि दुश्मन और अपने सब की रहा है कि कुत्ता एक ही है हमारे ग्रुप का जो गोगे पठान। पठान के जानने वाले हैं जी, और देख सकते हैं जी, ये सर इनका तारुफ करवा दें जी। चद्दर साहब है भाई, फर्रा से पिंडी भट्टिया से, जबरदस्त ये मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं और मोहसिन भी। जी 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 बिल्कुल सारे भाई ना, जबरदस्त सारे मेरे मेहरबान हैं, भाई भी प्यारे प्यारे। हमें जी इंटरव्यू में काफ़ी दुश्वारी हो रही है कि क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सारे दोस्त यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होते हैं और मिलने, ये भी अब गोगा साहब के दोस्त हैं, भाई हैं, इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दें जी। क्या नाम है? अशराफत पारसा, पाक बादशाह गुजरात ग्रुप के सदर। ज़बरदस्त। कुछ फरंगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या राय? माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी FM न्यूज़ TV और मैं आपको दिखाता हूँ जी पाकिस्तान का बोली डॉग फरंगी, और उसके ऑनर है हमारे साथ गोगा पठान, और ये मैच के लिए बिल्कुल रेडी है। और अभी तो हम गाड़ी में इसको बाहर हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि गर्म सर्द हो जाएगा उसकी वजह से। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम दिया, और बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं आज, माशाल्लाह पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। शौक करने आए पाकिस्तान लेवल का, तो उसमें ये सर हो गया है। बात आपने बड़ी अच्छी की, ये पाकिस्तान लेवल का मेरे सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा 5-6 सीजनों का अच्छा मैच है जिसमें 6 कुत्ते लड़ रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं जी? ये पाक लाहौर ग्रुप और धन पठौर ग्रुप। जबरदस्त हो गया, तो आप लाहौर ग्रुप की तरफ से? लाहौर। कौन से जोड़ पे ये है? ये 9वें नंबर पे, दोनों ग्रुप ने फैसला किया है 9वें नंबर पे लड़ाएंगे। अच्छा 9वें, ताकि इसके पहले लड़ाने से फिर लोग शौकीन चले जाएंगे, मैच खराब हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा पीछे बैठे रहेंगे लोग जी। फरंगी का जैसे आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा फरंगी का, ये है फरंगी और इनके ऑनर है जी गोगा पठान शुजाबाद से। और सर इतनी दूर से आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पहले भी आपको इसने बड़ी इज्जत दिया फरंगी ने, और अब भी माशाल्लाह आपकी स्माइल बता रही है कि आपको ये जी। मैं से पहले कि हम सर की राय लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसके बाद भी हम आपको वीडियो बनाएंगे जी। सर जी, क्या तवक्कु है आपकी? इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के महबूब के सदके वो कुत्ता मेरे कुत्ते के जोड़ नहीं निकलेगा। अच्छा, वो इस लेवल का नहीं है कि इसकी बर्दाश्त, इसके जख्म बर्दाश्त करे और फिर इसको मारने की जरूरत करे, ना वो जुरत कर पाएगा और ना वो इसके जख्म बर्दाश्त करेगा। जबरदस्त हो गया। इसको सर बंद कर देते हैं हम, थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए, इसको कर दें जी, बंद कर दें। बातें बड़े मज़े की करते हैं और शौक शिकार के मुतालिक आपकी एडवाइस लोग फॉलो करते हैं, और आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और इस टाइम आप मोहब्बत है मेरे भाइयों की, इंडिया के लोग शौकीन हो जी, आपको पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं जी, जी। कुछ क्या कहना चाहेंगे शौकीन हजरात को, और ये जैसे अब मैच हो रहा है पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, शौकीन हजरात से रिक्वेस्ट है कि घर में कुत्ता रखना और वो भी गंदा कुत्ता रखना है तो वो अच्छा रखना है, उससे बेहतर है फिर ना रखना।
ये जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गोगा पठान के पास किया था, इनका फर्स्ट टाइम का भी यही जुमला था कि चीज़ रखें तो अच्छी रखें, अच्छा। नहीं तो खाना डालने की ज़रूरत नहीं है। ढाई साल बाद आपको पिट में गंदा करवाए, जैसे कि अभी हमने एक मैच देखा था यहाँ पे, और डॉन कुत्ता जी पाकिस्तान का चैम्पियन कुत्ता है। डॉन की अब ये आप खूबी बता सकते हैं ना, चंद मिनटों में उसने अगले कुत्ते को एक मिनट प्लस में, और थ्री टाइम चैंपियन डॉग था, और फिर 33 प्लस है वो जी, बिल्कुल बड़ा कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है। सर आप उन दिनों ना फरंगी बीमार था और मुझे 8 दिन पहले कहा गया था जी। अब मैं तैयारी करके आया हूँ और इंशाल्लाह मस्त कुत्ता मेरे कुत्ते की जोड़ने निकलेगा। चले इंशाल्लाह जी, हमारी विश आपके साथ है जी। फरंगी के आपके पास काफी पपी भी हैं मेरे ख्याल से, को लाहौरी ब्रीड से मैंने क्रॉस कराया है जी। मैंने कहा इनका ना एक और क्लास कुत्ते यहाँ से निकले, मेरे घर से मेरे दोस्तों के पास जाएं या जहाँ जहाँ भी जाएं, लोग मिसालें दें इन कुत्तों में। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपके पास अब लाहौरी और फरंगी की आपने मीटिंग करवा के मिक्स जो है ब्रीड करवाई है, और आपके पास बालम की मेरे ख्याल बच्ची है, बच्ची भी है लाला, और अख्तरगंज सलदेरे वाले शेरू की ब्रीड मेरे पास जो 11 साल निहारा लाला, ब्रीड में मेरे पास है। स्मगलर की बहनें भी हैं, मेरा जो मिट्टू बाज वाला रात रहा है उसकी बहनें भी हैं मेरे पास। ये जी पुराने शिकारी हैं और इनके मामू थे जी आपके, मीदू खान इनके मामू शौक करते थे खान कयूम के दौर के। 20-22 साल आल पाकिस्तान मैच अपने डेरे पे भी कराया, जहाँ से खान कयूम खान भी आया करते थे। पाकिस्तान के कोई ऐसा शौकीन नहीं है जो हमारे डेरे पे ना आया उन मैचों। ज़बरदस्त हो गया। और जी एक्सपीरियंस ये बताता है ये हल्की चीज़ रख ही नहीं सकते। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो बड़ा शिकारी होता है वो लट चीज़ रख ही नहीं सकता है, गंदी चीज़ नहीं रख सकता। जैसे अभी खान साहब ने पहले बताया है कि एक डॉग रख लें, 10 डॉग से अच्छा है कि अच्छा एक डॉग नस्ली रख लें जो आपका नाम बनाए। आप ये नाज़रीन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ऑडियंस देख सकते हैं आप, ये लाइनों में लगी हुई है, ये देखें 4 से 5 किलोमीटर के फासले में गाड़ियों की पार्किंग है। ठीक है जी, हमें भी बड़ी मुश्किल से जगह मिली है गाड़ी पार्क करने की, ये मैं आपको ऑडियंस दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ ये शौकीन हजरात की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अब जैसे आपको मैं दिखा रहा था, हम गोगा पठान को लेके आए हैं साइड पे, क्योंकि वहाँ पे क्राउड था, और क्राउड से जब गुजर के जा रहे थे तो इनके चाहने वाले, इनके फ़ैन इतने ज़्यादा थे कि इनको आते हुए यहाँ पे आधा घंटा लग गया इस क्राउड से। और वो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करके, जी हमें टाइम दें, हमने गोगा साहब का इंटरव्यू करना है। तो ये चीज़ें मैं बात को ऐड करता हुआ चलूँ, मेरी बात से इत्तफाक करेंगे खान साहब भी। ये सिर्फ मुझे एक बात याद आती है काजी अख्तर की, उसने मुझे कहा फयाज भाई आपके पास जानवर अच्छा है तो आपको लोग सलाम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके जानवर अच्छे। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि लाहौर ग्रुप के जो हमारे कायद हैं और मेरी टीम, उनकी तरफ से ये फैसला हुआ कि गोगे पठान का फरंगी ही हमारा अच्छा कुत्ता जो मस्तू को मारेगा। और मुझे भाई शानी मीरवाल की बात भी अच्छी लगी, उन्होंने भी कहा कि मेरे कुत्ते से ये गोगे का कुत्ता ही लड़ सकता है। जबरदस्त हो गया, तो मैं कितना अच्छा कुत्ता पाल रहा हूँ, और जिससे मेरी इतनी आनर हो रही है कि दुश्मन और अपने सबकी रहा है कि कुत्ता एक ही है हमारे ग्रुप का जो गोगे पठान। आप जिला मुल्तान में रहते हैं? तहसील शुजाबाद जिला मुल्तान। ऐसे ही सर? ऐसा। हम लाहौर में रहते हैं जी। जी बाबू अमजद लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन डेली आप लोगों का रब्ता होता है? हाँ जी डेली, कई कई बार। ऐसे ही है ना जी, ग्रुप में भी जॉइंट्स हैं? ग्रुप में भी हैं। ताल्लुक किस वजह से? शौक की वजह से। शौक की वजह से, और वो भी अच्छे कुत्ते की। अच्छे कुत्ते, ये नाज़रीन आप खुद समझ जाएं जी, आपने अच्छी नस्ल रखनी है, अच्छी ब्रीड रखनी है, तो उसकी वजह से आपकी एक रिस्पेक्ट। तो मैंने पहले भी कहा है कुत्ता रखना है तो फिर अच्छा रखना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आपकी मेहरबानी, आप थोड़ी ठंड कम हो जाए, आप आओ तो आपका घर है, वेलकम लाला। इंशाल्लाह हम मैच के बाद भी राय लेंगे सर की, हार जीत खैर होगी लाला, खैर होगी इंशाल्लाह। और ये विक्ट्री का निशान जी, इंशाल्लाह जबरदस्त हो गया जी। इंशाल्लाह हम आपको जी फरंगी का मालिक लोग जानते हैं जी। जी मेहरबानी है, मोहब्बत है दोस्तों। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सर। खान साहब यहाँ पे देखे पूरा एक समय है मेले का, ये देखे पकोड़े, फ्रेश पकोड़े यहाँ पे तमाशाई के लिए। रात मेरे दोस्त अदील बड़ैच वो रात 1 बजे बेल्जियम एयरपोर्ट पे थे, नहीं रात वो शाम निकले बेल्जियम एयरपोर्ट से, लाहौर 1 बजे पहुँचे, सीधे ग्राउंड में आए हैं। जर्मनी से मेहमान आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं पार्किंग धुंध में, इतनी धुंध में 5-5 जी। दसो शाकिर नौकर, अस्सलाम वालेकुम जी भाई बड़े,
हेलो 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 फरंगी मार सी तोड़ देगी जबरदस्त जी मिनट के अंदर अंदर गेम अच्छा 5 मिनट के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा आप खुद लड़ाएंगे इसको या साल से करें साल से अब चेंज हो जाएगा बाहू होंगे अच्छा बाहू होंगे जबरदस्त हो गया डॉग समझते हैं जी जब आप उसको स्पीड में जब फाइट के लिए जब आप उसको बोलते हैं या बुलाते हैं कि सर से पकड़े या डॉली से पकड़े फजूल बातें होती हैं ये बस शोर शराबे के लिए जितना कुत्ते का जो स्टाइल होता वही होता है अच्छा दूसरा जितना कुत्ते का बॉस चल रहा होता है उतनी गेम करनी होती है अपने को
बड़ा अच्छा मैच हुआ जी। कितने मिनट लड़के मेरे को 19 मिनट 17 मिनट लड़े और ये शानी मीरवान ने भी माना है जी, जो मुबारक दिया और उन्होंने कमिटमेंट मांग लिया कि हमेशा ये पूरा मेरे कुत्तों से लड़ेगा। मैंने कहा जब तक हया से लड़ता है। और ये बहुत अच्छा मैच हुआ जी, फिर का 9वें जोड़ पे फरंगी विन हुआ, 17 मिनट लड़के और ये सारे साथी आए जी, जबरदस्त माशाल्लाह। और ये जैसे आपने फाइट से पहले क्या बात है जी 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 क्या और खान भाई आप ही आए आए सारे क्या बात है। ये सारे दोस्त गोगा पठान को मुबारकबाद दे रहे हैं जी। कैसा लड़ा जी फरंगी आप बताएं जी? क्या फरंगी कैसा लड़ा? बहुत अच्छा लड़ा है फरंगी, ज्यादा तो कुत्ता ही कुछ नहीं है। और शांतिमीर वाले आके खुद पता नहीं उसको ने कहा, हमने कहा था याद हमारे लड़ेंगे बिल्कुल। और ये सारी टीम आई है जी शुगाबाद मुल्तान से, आ जाए सामने आए जी। क्या फीलिंग है जी आप लोगों की? बहुत खुशी हो रही है जी, खुशी हो रही है। ये नाज़रीन आप इनकी खुशी देख भी सकते हैं कि पार्टनर जैसे इसके अब लाल हो चुके हैं। क्राउड सारा जी अंदर आ चुका है। आसिफ भाई मुबारक हो जी आपको, आपका फरंगी विन हो चुका है।